नीतीश कुमार की पहचान सुशासन के रोल मॉडल के तौर पर होती है। हालांकि ये पहचान अब बदलने लगी है या बदलने की शुरुआत हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी कम नहीं है। ये अलग बात है कि हाल के कुछ वर्षों में जनता ने उनके नेतृत्व पर असंतोष जाहिर किया है। जिस जंगल राज की बात को लेकर कभी नीतीश लालू यादव की सबसे ज्यादा आलोचना करते थे, आज वही नीतीश कुमार पिछले एक महीने के अंदर दो बार पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। बिहार के पुलिस प्रमुख भी सोशल मीडिया पर ये कहते पाए गए कि हमारी बात अधिकारी ही नहीं सुन रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सिपाहियों से, अपने दरोगा भाइयों से, अपने थानेदारों से, इंस्पेक्टर से, डीएसपी से, एसपी से, कि पुलिस को अपना पुरुषार्थ साबित करना होगा। जो चंद मुट्ठी भर अपराधी बिहार के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, आम लोगों के जीवन को तकलीफ में डालते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, अपहरण करते हैं, या किसी तरह का अपराध करके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, अपराध करके लोगों का जीवन तबाह करते हैं, हम आइए सारे सिपाही भाइयों, थानेदार भाइयों, इंस्पेक्टर साहबान, डीएसपी साहबान, एसपी साहबान, डीआईजी साहब, आईजी साहब, सब लोग मिलकर के हम आज एक कसम लें कि हम बिहार की जनता के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। हम किसी अपराधी का साथ नहीं देंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, शराब माफिया और भूमि माफिया और बालू माफिया, किसी के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और बिहार पुलिस का झंडा गाड़ करके रहेंगे, जिससे जनता के दिल में हमारे प्रति भरोसा पैदा हो। ये भरोसा का संकट हो गया है, ये आस्था का संकट हो गया है। पहले ऐसा कम ही देखा जाता था जब नीतीश को अपने ही सूबे के किसी हिस्से में लोगों के विरोध का सामना करना पड़े और जनता उनके विरुद्ध नारेबाजी लगाए। लेकिन पिछले दिनों बिहार के एक शहर में न केवल सीएम का विरोध हुआ, बल्कि लोगों ने नीतीश कुमार को गो बैक तक के नारे लगाए। लोगों का गुस्सा ऐसा था कि समझाने और मामले को शांत कराने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। नीतीश कुमार से आप कानून व्यवस्था को सुचारू कीजिए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कानून व्यवस्था को ढंग से कीजिए, गरीबों का बेहतर इलाज सोचिए। और क्या सोचेगा गरीब आदमी, क्या सोचता है पुलिस वाला? बड़ा आदमी का पैर पकड़ेगा, आम आदमी गरीब है उसको धक्का देकर भगा देगा। मुजफ्फरपुर यूं तो लीची के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये शहर नीतीश कुमार के कुशासन के लिए जाना जा रहा है। साल 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट ने बिहार ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा दी थी। टिस्क की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग अधीन संचालित मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसके बाद यहां की लड़कियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। मामले ने सियासी रंग पकड़ा तो बाद में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जांच और रिपोर्टों के बीच शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर नीतीश सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नीतीश सरकार को फटकारते हुए कहा था, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपके शासन में बच्चों के साथ इतना क्रूर बर्ताव किया जा रहा है। कोर्ट की इस टिप्पणी से पहले विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा मचाया था। सरकार की किरकिरी के बाद कई अधिकारी न पे तो एनजीओ पर भी गाज गिरी। ये मामला कितना बड़ा था ये इसी बात से समझा जा सकता है कि नीतीश ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए अपने करीबी मंत्री तक का इस्तीफा ले लिया था। अभी भी मामला कोर्ट में है और इसकी सुनवाई हो रही है। सुशासन बाबू के कुशासन का जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी इसी शहर से है, चमकी बुखार। साल 1995 से ही बिहार में मासूमों की जान ले रहा है। मौत का ये सिलसिला आज भी जारी है। पिछले 48 घंटों में 6 बच्चों की मौत हुई है। सरकार भगवान और बारिश के भरोसे बैठी है। खुद नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लाचारी मानी है। ये माना है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बदहाल है। दरअसल बिहार का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही बदहाल रहा है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुका है। भला लोकतंत्र में कोई सरकार कैसे कहेगी कि हमारी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। बात सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, मुजफ्फरपुर एक जरिया है ये बताने को कि पूरे बिहार का सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है।
दोनों घटनाओं में समानता ये है कि शेल्टर होम केस की तरह ये मामला भी पीआईएल की मदद से कोर्ट पहुंचा, जहां नीतीश सरकार से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया। इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौत में भी शेल्टर होम केस की तरह रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिनमें शवों को फेंकने, नरकंकाल मिलने और अस्पतालों के खुद आईसीयू में होने जैसे मुद्दे शामिल हैं। नीतीश कुमार अब किस पर ब्लेम करेंगे? अब तो दूर तक लालू यादव भी नहीं दिख रहे। पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। सिर्फ उनके शासनकाल में ही अगर मौत के आंकड़े गिने जाए तो साल 2009 से 17 जून 2019 तक ये 1000 से ऊपर पहुंच जाते हैं। इन आंकड़ों से इतर सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने जो असंवेदनशीलता दिखाई उसे सुशासन के नाम पर भद्दा मजाक ही कह सकते हैं। कोई नेता चमकी बुखार को भगवान का प्रकोप बता रहा है तो कोई कह रहा है लीची खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये बयान सुशासन के तो नहीं हो सकते। नीतीश सरकार के सामने से अभी शेल्टर होम केस के दाग धुले भी नहीं थे कि इंसेफेलाइटिस उनके लिए परेशानियों का सबब बनकर आ पहुंचा है। सुशासन बाबू जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने गो बैक के नारे लगाकर ये बता दिया कि जिस बहार की बात बिहार में की जाती थी वो अब नहीं है।